हूँ आपके साथ तन्वी सूद। 2018 साल आमिर खान के लिए कुछ खास नहीं रहा। उनकी फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान से ना सिर्फ ऑडियंस को बल्कि क्रिटिक्स को भी काफी उम्मीदें थी, लेकिन सभी उम्मीदों में पानी तब फिर गया जब ये फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में ना ही अच्छे ग्राफिक्स थे और ना ही कोई स्टोरी लाइन। लोग थिएटर से निराश बाहर निकलते नजर आए थे। जहां 2018 में इस फिल्म का लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, वहीं अब 2019 में भी बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस ने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की खिल्ली उड़ा डाली है। दरअसल हाल ही में जूही चावला अपनी फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि प्रमोशन में काफी बिजी चल रही थी। वहीं उनसे जब एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आप आमिर खान से अगर कुछ पूछना चाहोगे तो आप क्या सवाल करोगे, इस पर जूही ने बिना कुछ सोचे समझे कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आमिर को भी लग सकती है मिर्ची। दरअसल जूही ने कहा, आमिर तुमने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान क्यों करी थी? तो देखा आपने, जूही चावला ने अपने ही दोस्त की दुखती नस पर हाथ रख दिया है, ये जानते हुए भी कि इस फिल्म के फ्लॉप होने से आमिर सदमे में है और कई बार मीडिया के सामने ऐसी फिल्म करने के लिए माफी भी मांग चुके हैं। लेकिन जूही मीडिया के सामने आमिर का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आई। वेल, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जूही के इस मजाक पर आमिर कैसे रिएक्ट करते हैं। वैसे आपको बता दें, दोनों ने साथ में 90 के दशक में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। दोनों की जोड़ी उस टाइम लोगों को खूब पसंद आती थी। वेल, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। काफी दिनों के बाद मैम आप रोमांटिक फिल्म का हिस्सा बने, तो इतने दिनों के बाद आप इस फिल्म का हिस्सा बने, तो क्या कुछ बदलाव आया है? क्या कुछ प्रॉब्लम भी आई, कोई समस्या इतने दिनों के बाद? क्या कुछ बदलाव आया है, कहाँ क्या, आई डिडंट गेट इट, आई एम सॉरी। ओहो, अच्छा, क्या कहूँ इसमें, क्या कहूँ मैं कि कितना बदलाव आया है। आई थिंक नॉट रियली, अ ग्रेट स्क्रिप्ट इज़ अ ग्रेट स्क्रिप्ट, और मैं सिर्फ इस बात पर खुश थी कि ये स्क्रिप्ट सुनकर के यू नो विनोद जी ने और शैली जी ने मुझे मौका दिया है इस फिल्म में। दे हैव चोजन मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई वाज टू हैव अ फिल्म विच आई कुड बी सो एक्साइटेड अबाउट, क्योंकि मज़ा आता है एक एक्टर को जब एक अच्छी स्क्रिप्ट सुनते हैं तो लगता है कि वाह अच्छी फिल्म बनेगी ये, तो इसमें जम के काम करो, तो दिल से जाते हैं काम पर। सो आई फील नथिंग रियली चेंजेस, I felt that way and I enjoyed so much. I know Anil ji ke saath main Salaam e Ishq ke baad ab kaam kar rahi hoon, aur sab poochte hain ki bhai unke saath kaam karne kaisa laga aapko. Of course it was wonderful. Anil ji tab bhi jaise ki Rajkumar keh rahe hain ki bahut committed pehle bhi hote the ab bhi hain, aur unka enthusiasm bilkul jaise ek oonche hi level par rehta hai sur all day sham tak हम लोग गिर रहे होते हैं और अनिल जी फिर भी रेयरिंग टू गो होते हैं, मगर और बहुत बहुत मज़ा मुझे इस बात का आया कि आई वॉज ऑन द सेट्स विद राजकुमार एंड विद सोनम, इन यू नो देयर दिस जेनरेशन, एंड टू वॉच देम, टू ऑब्जर्व हाउ दे वर्क, व्हाट दे आर थिंकिंग, फॉर मी दैट वॉज वंडरफुल। Raj, hi, Nikita. Hey. I want to ask you a question. Actually, it was a conversation between a lot of my colleagues, and you know, I thought that maybe I should ask you this. When a lot of people were comparing how your performance, and you have now reached a league of Ranveer, and you know, it's kind of like the triple R thread that's happening. So, you know, it was just a curiosity that I wanted to ask you, when you know, people like that probably even come up to you and ask you about it. How do you feel about it? I take it as a compliment. I'm a huge fan of both Ranbir and Ranveer. I think they're doing tremendously good. I'm looking forward to Gully Boy, myself, and Ranbir's next, Brahmastra. So I take it's overwhelming. I take it with a lot of gratitude, because then at least you're comparing me with two great actors. And I mean, but my thing is, I always say this, but I would, like, you can of course always say these three R's are the new, whatever, like stars or the upcoming actors. But my thing is, when I never see competition in any art form. I think it's a very pure art form, especially acting, because you're dealing with emotions. I can't say I cry better than the other actor. So I think you just have to grow with every film as an actor, and let people decide, you know, what they want to say. So I take it with a lot of gratitude, but I just want to grow with every film, and I just want to push myself
with every film. Viduji, aapse ek question hai. Since the tagline is set love free, I would like to probably pose a question free, as in I'm quite sure that you would be expecting the question regarding Mr. Raju Hirani and everything that has happened since the controversy about the Me Too allegations against him that broke out. So, and I want to know from your point of view, because we've not heard anything from it. I mean, your wife also came forward and did release a few things in that article that had come out in Huffington Post. So if you could like to put in your version for me. You will, this stage here is for something else that's extremely important, perhaps as important as what you're saying. So I'm saying this opportunity we should use to talk about this issue, and that, of course, at the right time, we will talk. Thank you. Vidu sir, आपसे सवाल है कि एक लड़की जब 1942 film आपके state से कहाँ हैं आप? State से 1942 love story जब आप लेके आए थे उस वक्त आरडी बर्मन साहब ने बिल्कुल back seat ले लिया था. फिल्में नहीं कर रहे थे, फिल्में नहीं मिल रही थी. फिर अचानक से इस फिल्म से जुड़े उनकी आखिरी फिल्म भी रही. आपकी क्या यादें जुड़ी हुई हैं और उनकी पूरी जर्नी को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जब ये लड़की को देखा गाना बनाए, तो आई थिंक रोचक ने कुछ 20-25 बार तो बनाया होगा विदाउट एग्जैजरेशन. पहला बनाया तो कैंसिल कर दिया, दूसरा बनाया तो कैंसिल कर दिया. क्योंकि जब मैं ये सुनता हूँ, और मुझे हमेशा आर डी बर्मन और जावेद अख्तर, हमने इनका, और ये जावेद अख्तर ने लाइन लिखी हुई है, ये हमारी लाइन नहीं है. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, उन्होंने कहा कि वो लीडो से आ रहे थे आर डी के घर में, लाइनें नहीं थी, घबरा रहे थे हमको मिलना है, तो वहाँ उन्होंने गाड़ी में ये लाइन लिखी है. और ये गाना बना भी कैसे है, और जो आज 27 साल के बाद, आई डिडंट नो 27 ईयर्स हैव पास्ड, कि ये गाना था ही नहीं फिल्म में. तो जावेद साहब ने कहा यार गाना, मैंने कहा नहीं होगा यार, नहीं हो सकता, अनिल न हो सकता. तो जावेद साहब ने कहा मैं लिखूंगा. मैंने कहा आप लिख लीजिए, पर होगा नहीं. तो इस चक्कर में जावेद साहब आ रहे थे, अब गाना भी नहीं था उनके पास. तो आर डी बर्मन बैठा था, ये रोचक खास सुनना चाहिए, और जावेद साहब ने कहा क्या लाइन है? तो कहते सर एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा. मैंने कहा यार ये तो ठीक है, आगे क्या है? उनके पास कुछ नहीं था. तो कहते हैं जैसे जैसे खिलता गुलाब, जैसे शहर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, वो ऐसे ही बोलते जा रहे. एंड एज ही वाज सेइंग, आरडी टुक हिज हारमोनियम एंड स्टार्टेड. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा. दिस सॉन्ग वाज मेड विद इन 5 to 6 minutes. मतलब लिटरली, एंड इज एंड जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे. मैंने इनसे कहा रोचक को कि सिर्फ उनका जो इंटरल्यूड है उसको हम हाथ लगा सकते हैं, ये गाने को हम टच नहीं कर सकते. और हमने वही किया जो रोचक ने ब्रिलियंटली किया, जो उसका इंटरल्यूड है, टणंग टणंग टंग टंग टणंग टणंग टंग, उसके ऊपर ये पूरा गाना बना. और मैं आपको एक बात कहूँगा, और ये सबके लिए इस फिल्म से जुड़ी हुई बात है, कि इनसिक्योरिटी ग्रेट आर्टिस्ट को क्या करती है, ये भी आप जरा सब जो आर्टिस्ट लोग हैं, गजल रोचक, हम सब ध्यान से सुन लें. इन लोगों, सोनम वोनम की जेनरेशन में बात हुई नहीं है. आर डी बर्मन ने जब ये गाना बनाया, दूसरे दिन मुझे सुबह फोन करता है, क्योंकि आर डी बर्मन को कोई छू नहीं रहा था उस वक्त. ये बात तो आपको पता है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा. कहता यार गाना तो बन गया जूही, पर यार तूने यार मेरे को म्यूजिक नहीं डालने दिया, वो खाली टड़ंग टड़ंग, बहुत मैं वायलेंट डालूंगा उसमें, कोरस डालूंगा. ये सुदामा जो उसका घर में था, उसने सुना, कहता क्या ये गाना, इसमें कुछ है ही नहीं. तो मैं घबरा गया. मैंने कहा ये इनसिक्योरिटी में गाना खराब कर दें, क्योंकि गाने में कुछ था ही नहीं. अगर आप गाना सुने तो कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन है ही नहीं. मैंने कहा नहीं दादा, मैं वो शूटिंग में साइकिल चलाएगा ना अनिल, तो टिंग टिंग बेल आएगा, फिर वो, यू रिमेंबर दैट साइकिल शॉट. तो मैंने उनको सच में उल्लू बनाया कि मैं बहुत साउंड्स होंगी, वो सब मैं करूँगा, फिर वो सब करके आपको बताऊँगा. तो इनसिक्योरिटी ग्रेट आर्टिस्ट को कभी होनी नहीं चाहिए. आप फिल्म बनाते जाइए, हमने ये फिल्म बनाई है, जैसे कह रहे हैं सब लोग, बड़े दिलो जान से बनाई है. आपको अच्छी लगेगी तो हम बहुत खुश होंगे, आपको अच्छी नहीं लगेगी हम एक और बनाएंगे. कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ो. एक्सेलेंट. हेलो पितु, विदु, दिस इज ज्योति वेंकटेश हियर. सिंस अनिल, सोनम, राज एंड जूही हैव ऑलरेडी स्पोकन ए लॉट अबाउट देयर कैरेक्टर्स इन द फिल्म, I just want to ask two questions, one to you and one to Vijay, who is presenting the film. Vidu, you,
you are supposed to be known as a very tough taskmaster for all your directors. Luckily, Rajkumar Hirani and you could establish a kind of rapport and chemistry, so I've been making film one after another with him. So now, when your own sister is directing the film for you, how tough was it for you to acclimatize yourself with her? Very tough, very tough. Matlab, so tough, you won't believe how tough it was. Because chakkar kya hai, sunti nahi hai. और बहन है तो और प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम आता है कि ये सीन काट दिया, वो बोला ना सोनम ने मेरा सीन काट दिया. लेकिन व्हाट हैपेंस, आई हैव टू टेल यू दिस, दैट इन ऑल माय फिल्म्स, ऑल राजूज फिल्म्स इंक्लूडिंग द लास्ट वन, देर वाज ऑलवेज रीशूटिंग, देर वाज ऑलवेज समथिंग. मैंने 15 दिन सब एक्टर्स के लिए थे, राजकुमार राव के, अनिल कपूर के, सोन, एवरीबडी मैंने ब्लॉक किए हुए थे कि भैया मैं फर्स्ट कट देखूंगा, मैं सेट पे एज यू नो जाता नहीं हूँ, तो ये रीशूट तो कुछ ना कुछ होगा. ये पहली फिल्म है मेरे करियर की, एंड आई हैव डन परिणीता विद इन न्यू एक्टर डायरेक्टर, बहुत जड़े फ्रॉम संजय बंसाली, राजू ईरानी, बहुत नाम ही नाम है, प्रदीप सरकार. तो ये पहली फिल्म है मेरी जिसमें मैंने एक दिन भी रीशूट नहीं किया, एंड द क्रेडिट गोज टू दिस फर्स्ट टाइम डायरेक्टर.